हेलो विवान, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है और इसी 10th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व सेकंड। उसमें हम चैप्टर की बात कर रहे थे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जो हमारा चैप्टर है उसको हम लोग आपका देख रहे थे कि कैसे हमारा भूमंडलीकृत विश्व बनता है। चैप्टर नंबर सेकंड की सब यूनिट हम लोग आपका कर रहे हैं इसमें, ठीक है, और इसी सब यूनिट्स को हम लोग आपका गौर करके देख चुके हैं। तो कल ये सारी चीजों को हम लोगों ने बात कर लिया, एक एक करके हमने इनको देख लिया, ठीक है, इन पर हम बात भी कर चुके हैं, गौर भी कर चुके हैं, ठीक है, तकनीकी भूमिका वगैरह इन सबको हम लोगों ने आपका अच्छे से देख लिया। रिंडरपेस्ट वापस देखा, जो आपका प्लेग फैला था पशुओं में, पशुओं की बहुत सारी मृत्यु हो गई थी, कैसे अफ्रीका के लोग यूरोप के बंदी हो गए थे रिंडरपेस्ट के कारण, क्योंकि मुख्य आजीविका एग्रीकल्चर के साथ उनका पशुपालन था, वही बर्बाद हो गया था, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने कहा आप शुरू करते हैं, मजदूरों की भर्ती को लेते हैं थोड़ा सा और इनको हम थोड़ा सा इस पर बात करें। मजदूरों की भर्ती का काम मालिक मालिकों के एजेंट के द्वारा किया जाता था। भर्ती काम क्या करते, जो एजेंट हैं वो लोग किया करते थे, एजेंट को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी आप्रवासी को फुसलने के लिए झूठी राजनीतिक जानकारी देते थे। कहा जाना है कि यात्राओं का साधन क्या होगा, क्या काम करेंगे और नई जगह पर काम व जीवन की हालत कैसी होगी, इसके बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे आप्रवासी यह भी बताते थे कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा जाना पड़ता है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता है तो वह एजेंट उसका अपहरण तक कर लेता है, कि अगर कोई एजेंट के साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो जाने को मना कर दे तो उसको वो अपहरण करके भी आपका ले जाते हैं। 19वीं शताब्दी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया है। बागानों में कार्यस्थलों में पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता है कि जैसी उम्मीद कर रहे थे वैसी हालत नहीं। नई जगह का जीवन, कार्य स्थिति कठोर और मजदूर के पास कानूनी अधिकार कहने भर की बात थी। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के लिए अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे भाग कर जंगलों में चले गए। अक्सर ऐसे मजदूर पकड़ जाते थे, उन्हें भारी सजा दी जाती थी और वे अपनी पुरानी नई संस्कृति का मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मनिर्भर के नए रूप में खोजते थे। त्रिनाद में मोहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले के रूप में देखा गया। इस मेले को पोसो यानी के हुसैन के नाम नाम दिया गया। सभी धर्म सभी नस्ल में मजदूरों इसमें हिस्सा लेते थे और रास्ताफिया नामक विद्रोह जिसने जमैका में रेंगवे गायब बो मार्ले की विख्याति शिखर पर थी। यही था आपका जमैका के आपका रेंगे गायब थे बॉब मार्ले। क्या है बॉब मार्ले? नाम ध्यान सुना ही होगा आपने, ठीक। विख्यात द्वीप पर पहुंचा, भारतीय प्रवासी और कैरेबियन द्वीप समूह के बीच संबंधों की झलक देखी जा सकती है। तरनाट और गयाने के मैसूर चटनी म्यूजिक ने भारतीय प्रवासी को वहां पहुंचने के बाद सामने आई आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति का उदाहरण संस्कृति समागम के यूरोप में नई वैश्विक दुनिया का उदय की प्रक्रिया के अंग थी। ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में मिली जुली थी। उनका मूल पहचान एक विशिष्ट गुमनाम होती गई और बिल्कुल नया रूप आपका नया सामने सामने आया, ठीक है। ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद ही वापस नहीं लौट आए। वापस लौट जाने में अधिकांश केवल कुछ ही समय बीत कर अपने ठिकाने पर वापस चले गए। इसी कारण
इन देशों में भारतीय मूल की संख्या काफी बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्या आपने कभी नोबेल पुरस्कार साहित्यकार बी एस नेशन का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर शिव रेमन चंद्रपाल और राम नेवन सीवारावन का नाम सुना होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके नाम भारतीय जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि भारत से ही अनुबंधित मजदूरों को के ही वंशज हैं। जो लोग आपका परमिट के नाम पर विदेश ले जाए गए थे उन्हीं के वंशज हैं। आज उनकी अच्छी खासी स्थिति है, वह क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए क्या नाम है? रमन नरेश सिवरमन, इसलिए उनके नाम आपको देखने की मिलेंगे। और उस जमाने का एक इस तरीके का अनुबंधित परिपत्र होता था जो आपके सामने है, दिखाइए, ये था कॉन्ट्रैक्ट पेपर, देख लीजिए इसमें। चलिए, 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में हमारे देश के राष्ट्रवादी नेताओं ने इस प्रथा का विरोध करने लगे। उनकी राय में बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। वो क्या मानते थे कि आप मजदूरों को जो लेकर जाते हैं ये बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था है। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया, लेकिन बाद में भी ये कई दशकों तक भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को वर्सेस कैरेबियन द्वीप समूह में बेचने अल्पसंख्यकों के जीवन जीते रहे। वहां के लोग कुलीन माने जाते हैं और उनके साथ कुलीन जैसा बर्ताव करते थे। नया पाल कुछ प्रारंभिक उपन्यास के छिछले और पायरापन जैसे आम महसूस खोकर हम उनको बाप का देखा है। ठीक, अब एक आम बाप का मजदूर है, उसने अपनी कुछ वृतांत लिखा है। एक गिरमिटिया मजदूर की आप बीती कहानी है। नाम है राम नारायण तिवारी, भारत से आए थे, गिरमिटिया मजदूर थे। उन्हें 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कहाँ रखा गया था? डेमेरारार में 10 साल के काम करने के लिए किया गया था। उन्हें स्मरण का एक अंश है, जो उनकी जीवन बीता है उसका, जो उन्हें कहानी याद है उसका एक अंश यानी कि एक भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। तमाम कोशिश के बावजूद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पा जो मुझे सौंपे गए थे। कुछ दिन के भीतर ही मेरे हाथ सब जगह से छिल गए। मैं हफ्ते भर तक काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे सजा दी गई, जो 14 दिन जेल में काटने पड़े। नए आप्रवासी का काम बहुत भारी पड़ता था। वे दिन भर अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे, तो अगर उनको संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हुआ तो तनख्वाह काट ली जाती थी। इसलिए बहुत सारे लोगों को उनको पूरा वेतन नहीं मिल पाता था। उन्हें तरह तरह की सजाएं दी जाती थी और दरअसल मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधि उन्हें तरह तरह की आपकी सजाएं दी जाती थी। क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए बहुत सारे लोगों को वेतन पूरा नहीं मिलता था और दरअसल मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किल से बितानी पड़ती। जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है कि 10 साल 5 साल का, बड़ा भारी उन पर वो लोग बीतता था। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोप देशों में निर्यात किया जाता था। हमारे यहाँ कपास होती है और कपास की किस्म है महीन, यानी कि छोटी कपास होती है, बारीक कपास। और जितने भी यूरोपियन कंट्री, खास कर इटली और जर्मन वगैरह में बड़ा डिमांड है इसकी, क्योंकि वहाँ कुछ ब्रांडेड कपड़े बनते हैं जो खा स्पेशली इसी के बनते हैं। ठीक है ना? औद्योगिक करण के बाद ब्रिटेन ने भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहां के उद्योगपति ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगा दें और स्थानीय लोगों से उनकी रक्षा करें। क्या कर दें? रोक लगा दें और वहां उनकी रक्षा करें। ब्रिटेन में आयातित कपड़ों की सीमा शुल्क थोप दिए गए। वह महीन भारतीय कपड़े का आयात होने लगा था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। सीमा शुल्क व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों में बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ा दूसरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि जो भारत का कपड़ा था वो उनके सामने नहीं टिक रहा था इंटरनेशनल पर, और जिस वजह से भारत के कपड़ों को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी, यानी कि बराबर टक्कर ले रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हो, क्योंकि डिमांड किसकी होगी? जो सस्ता होगा, फाइन क्वालिटी का होगा, अच्छा होगा। क्लियर है?
यदि भारतीय कपड़े का निर्यात का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती वस्त्र कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट के रुझान दिखाई दिए। 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1815 में घटकर 15% हो गया और 1870 का अनुपात केवल 3% रह गया। एक टाइम था 1800 में 40% पूरा निर्यात भारत से होता था, 15 साल में 15% बच गया और 70 साल में कितना रह गया, 3%। आप सोच के देखिए कि क्या हालत यहाँ के किसानों की, व्यापारियों की, और जो आपका बनाते हैं बुनकर होगी क्या रही होगी। 30% पॉपुलेशन उस जमाने की खाली इन पर बुनकरों पर डिपेंड थी। तो सोच कर देखिए ये लोग कहाँ गए होंगे, यही आपके बंधुआ मजदूर और बेरोजगार हो गए होंगे। चलिए एक बार देख लीजिए, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, उसे पूछ लीजिए, फिर आगे देख ले मेरे प्यारे बच्चों। भारत ने किन चीजों का निर्यात किया, आंकड़ों के माध्यम से। फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है, निर्यात मौसम का, निर्यात घटता जाता है और उतनी ही तेजी से कच्चे माल का निर्यात बढ़ता जाता था। 1812 1871 के बीच कच्चा कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। कितना हो गया, 35% तक पहुंच गया। कपड़ों की रंगाई में इस्तेमाल होने वाला नील कई दशकों तक बड़े पैमाने पर निर्यात रहा। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि 1820 के दशक में चीन का बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था। कुछ समय तो भारत के निर्यात का अफीम का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। पहले किसने किया, चाइना ने, कब तक, 1820 के दशक तक। फिर उसके बाद कौन करने लगा, भारतीय निर्यात में अफीम का जो था हिस्सा भारत की बहुत थी, ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी, उसे चीन को निर्यात करती थी। अफीम की खेती, जो पैसा मिलता था उसे बदले में चीन से चाय और दूसरे पदार्थों का आयात करती थी, वो चीजों को मंगवाती थी बेसिकली। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औपनिवेशिक ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद की बाढ़ आ गई। यानी कि 19वीं सदी में क्या हुआ, बेसिकली जितने भी ब्रिटिश उत्पाद थे उनकी संख्या आपकी निरंतर बढ़ने लगती। तो इसी वजह से बढ़ने से हमने क्या कह दिया कि ब्रिटिश उत्पाद की क्या आ गई, बाढ़ आ गई। जब बहुत सारा सामान आता, हम क्या बोलते हैं कि भैया आज तो फ्लड आ गई, पूरी बाढ़ ही बहा दी अपने सामान की। क्लियर है। अब देखिए, भारत से ब्रिटेन से विश्व को भेजे जाने वाले खाद्य पदार्थ व कच्चे माल को निर्यात में इजाफा था। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज्यादा थी होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब यह है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को फायदा रहा। ब्रिटेन इसी मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता था, इसलिए एक देश के मुकाबले दूसरे देश में घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार के मुनाफे का काम नहीं किया जाता। ब्रिटेन में घाटे की भरपाई में मदद करने के लिए भारत को 19वीं सदी के विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक भूमिका अदा की। ब्रिटेन के व्यापार का जो अधिशेष हासिल हुआ, यानी कि अधिशेष का मतलब है आपने कुछ चीज खर्च, आपने कुछ बनाया, बनाने के बाद कुछ चीज बेची और बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ नेट। जैसे मान लीजिए आपका 100 रुपए का सामान आपका बना और आपने 150 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का। यही आपका अधिशेष है, ठीक है। तथा उसे होम चार्ज यानी कि देसी खर्चों का निपटारा होता था। इसे ब्रितानिया अफसरों और व्यापारी द्वारा अपने घर द्वारा भेजी गई निजी रकम, भारतीय कर्जे और ब्याज और भारत में चुकाने वाली ब्रितानिया अफसरों की पेंशन मिलती थी। इसी से ही सब कुछ होता था जो ये ट्रेड हो रहा था। क्लियर है। और इस ट्रेड को आप देख सकते हैं कि कहां कहां से होता है। आप इसको महसूस करेंगे, थोड़ा मैं आपको चित्र दिखाऊंगा और आप इसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कहां पर कैसे कुछ आपकी स्थिति थी। देखिए, ठीक, तो ये रहा सूरत, ये बेसिकली भारत ही है, ये मछलीपट्टनम है, ये हुगली है, ये मद्रास है, ये गोवा है, ठीक है, ये बेंटिंग है, बटानिया, ये आपका मलक्का, ये बैंकॉक, ये कैटॉन, ठीक है, ये रेड सी, ठीक, यानी कि अफ्रीका वाला पार्ट है, अफ्रीका
पास की खाड़ी वगैरह इसको देखिए। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था है कि भैया जो बड़े बड़े महायुद्ध हो रहे हैं उनके बीच इकोनॉमी, कल जो आपका वॉर था वो कैसे, सबसे बड़ा घातक होता है इकोनॉमी। किसी देश को बर्बाद करना है उसकी अर्थव्यवस्था को खत्म कर दो, देश अपना बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं, किसी वेपन की जरूरत नहीं। तो आजकल कैसे वॉर चलते हैं, कोल्ड वॉर, इनको क्या कहा गया, शीत युद्ध। चैप्टर नंबर 3 है इसमें, 2 नंबर हम लोग देख चुके हैं 2 चैप्टर तक, तीसरे पर बेसिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, पुनः एक बार पूछता हूँ, किसी को डाउट या क्वेरी तो नहीं है। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप से लड़ा गया था, पहला महायुद्ध किसने लड़ा, यूरोप से ही लड़ा गया था, लेकिन उसके असर दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में हम जिन चीजों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया है जिसे उभारने में दुनिया को 3 दशक से ज्यादा का समय लगा। इस दौरान पूरी दुनिया के चौतरफा आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बन रही है और अंत में मानवता एवं विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कहराने लगी है। ठीक, युद्धकालीन रूपांतरण, युद्ध के बाद क्या चीजें बदली, कैसे कुछ चेंजेस हुआ, इसको देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध 2 खेमे के बीच लड़ा गया था। पहला था मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र में कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये आपके मित्र राष्ट्र है। दूसरा लड़ा गया था आपका जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य, ये तीन, ये आपके बेसिकली 3-4 स्टेट है। तो ये बनी आपकी सेंट्रल पावर, 2 गुट लड़ रहे थे, कौन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य, क्लियर हो गया। ये बेसिकली कहां लड़ रहे थे आपका, ये आपका सेंट्रल पावर थी, बीच की थी तो इसलिए इनको सेंट्रल पावर कहा दिया। सर नीचे मैप हो, मैं आपको मैप में समझाऊं थोड़ा सा, चलिए इसमें मैप दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल पावर कहाँ कहाँ है, आप मैप मिले वर्ड का उसमें देख लीजिए, चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो ये सारी पावर आपस में लड़ रही है, तो सबसे पहले कॉपी करिए और देखिए, तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, तो आपको याद होना चाहिए ब्रिटेन होना चाहिए, ब्रिटेन के बाद फ्रांस होना चाहिए और रूस आपका मित्र राष्ट्र में थे। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी और ऑटोमन साम्राज्य जो आपका टर्की के थे, ये लोग बेसिकली शामिल थे। दोनों को लिखिए, मित्र राष्ट्र और आपका सेंट्रल पावर। चलिए देखिए युद्ध कब होता है, मित्र राष्ट्र और सेंट्रल पावर, तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये आपका मित्र राष्ट्र है, सेंट्रल में आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, ध्यान रहेगा, लिख लिया होगा। अगस्त 1914 में युद्ध शुरू होता है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। उसी समय बहुत सारे सरकारों को लगता था कि युद्ध ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाए, कि अभी शुरू हुआ अगस्त और दिसंबर तक निमट जाएगा और नवंबर दिसंबर तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबको 6 महीने की उम्मीद थी। यह युद्ध 4 साल से भी ज्यादा समय ले गया, कितना ले गया, 4 साल से भी लंबा समय ले गया। मानव सभ्यता इसलिए भी ऐसी भीषण सामने नहीं हुआ इस युद्ध में, दुनिया के सबसे अगुवाए देश राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था जिसने युद्धों में मशीन, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का भयानक प्रयोग यानी कि इस्तेमाल किया गया। इसमें युद्ध वगैरह जो भी हाथ लगा, साम दंड भेद सब चलाया। ये चीजें आधुनिक विशाल उद्योग की देन है। युद्ध के दौरान दुनिया भर के असंख्यक सिपाहियों को भर्ती की जाना था, उन्हें विशाल जलपोत, रेलगाड़ी के भार युद्ध में आपका मोर्चा ले जाना था। इस युद्ध में मौत और विनाश जैसी आपका भीषक रची औद्योगिक युग से थी
औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध के 900 युद्ध से 90 लाख ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। कितने? 2 करोड़ लोग घायल और 90 लाख लोग मारे गए। सोच के देखिए, 1 करोड़ लोग लगभग मारे गए थे, 2 करोड़, 3 करोड़ सीधे लोग घायल हुए। सोच के देखिए कितनी बड़ी मात्रा में ये विस्फोटक रहा होगा। मृतकों और घायलों से ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे, यानी कि वही, यानी कि 20-21 साल से लेकर 30-35 साल के बीचों की पॉपुलेशन ज्यादा थी। ठीक, इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाजी लायक लोगों की संख्या कम हो गई। परिवार सदस्य घर जाने से युद्ध के परिवार की लोगों की जो आय है वो भी आपके गिर गई। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योग का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की जरूरतों को मद्देनजर पूर्व के समाज के बदल दिया गया। मर्दों की जगह महिलाएं मोर्चे ले रही थी। उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर जाना पड़ता था, जो अपने केवल घर में मर्द को ही काम करते थे। अब उन लोग भी सब क्या कर रही हैं? बाहर जा रही हैं। तो युद्ध के कारण दुनिया में कुछ हिस्सों में शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। इकोनॉमिकल चीजें कैसी होगी? टूट गई। अब वे एक दूसरे के बदला लेने पर आपके उतारू थे। इस युद्ध ने ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। बस यहां से ही क्या है, अमेरिका ऊपर उठ जाएगा। इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार के बजाय कर्जदाता में बना दिया, जिसका आशय यह था कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में सैनिक व उनके नागरिकों की संपत्ति कीमती अमेरिका के दूसरे देशों के साथ सरकार और उन नागरिक को स्वामित्व और नियंत्रण संपदा को ज्यादा हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये सब अपने पैसा जो है, अपना रिसोर्सेस कहाँ लगा देंगे? युद्ध में लगाएंगे। और युद्ध में लगाने की वजह से आप देख सकते हैं कि पूरी फैक्ट्री आपको दिखाई गई है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कैसे हथियार बनाए जा रहे हैं, आप उनको देखिए। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पूरे चैप्टर को जितना पढ़ाया है पूरा पढ़ के आइए। फर्स्ट बोर्ड शुरू हो रहा है, तो आज खाली पृष्ठभूमि बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।